उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा जनपद से रानीखेत क्षेत्र में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व की टीम के साथ मजखाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्र में वीरेंद्र मोहन के द्वारा बनाए जा रहे बिरला स्कूल का निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व विभाग की टीम से मौके पर नक्शा, खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिसको लेकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वामित्व के सभी अभिलेखों का मिलान किया जाएगा, जिनमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाकर तैयार की जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जमीनों के लेकर कई तरह की शिकायतें जो है हमारे पास आ रही थी कई समय से, तो इसी क्रम में निरीक्षण किया गया 3-4 जगह पे, स्पेशली मजखाली द्वारसा वाले एरिया में। तो जैसे हमारी एक पहली जो थी कि एक वीरेंद्र मोहन द्वारा जो बेची गई है जमीन, तो एक किसी महिला को बेची गई, तो वहां पे उल्लंघन का मामला सामने आया है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा के अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो जमीन जो है वो सरकारी जमीन है, तो इन सभी चीजों का जो है निरीक्षण किया गया। इन सब में जो है मौके पर हमारे क्षेत्रीय पटवारी कानूनगो सभी उपस्थित थे। हमने सारे अपने जो स्वामित्व के अभिलेख हैं उनसे मैच किया गया, तो उसको मिलाकर देखा गया, उससे मिलान किया गया, तो कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की जाएगी।